नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं गणपति जी का तोरण बना रही हूँ। चलो आज सीखते हैं कैसे बनाते हैं। पहले हम सरकाने वाला गांठ बनाएंगे, उसके बाद उसमें पांच चैन लेंगे। जो हमारा पहला चैन है उसमें हम आखिरी चैन को मिलाएंगे, उसके बाद हम चैन को जोड़ लेंगे, इसके बाद फिर हम दो चैन लेंगे, फिर उसे बना, फिर 18 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीसरा डबल क्रोशिया ऐसे करके 18 राउंड में 18 क्रोशिया बनाना है। 18 क्रोशिया बनाने के बाद एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा हमारा। पंद्रह, 16, 17, ये 18 हमारा डबल को पहला लेके इसको इसे जोड़ देंगे, फिर एक गांठ, एक छोटी में दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दूसरे वाले चैन में उसमें भी डबल क्रोशिया, तीसरे वाले चैन में उसमें भी डबल क्रोशिया। ये दो चैन बनाए हैं जॉइंट करके, अब हमारा ये चैन में पैर, इस चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो, एक डबल क्रोशिया और ये उसी में फिर दूसरा डबल क्रोशिया, फिर जो हमारा दूसरा चैन है उसमें भी एक डबल क्रोशिया, उसी चैन में फिर दूसरा डबल क्रोशिया, फिर तीसरे जो चैन है हमारा, ये तीसरा चैन है इसमें भी डबल क्रोशिया, एक चैन में हमें दो बार डबल क्रोशिया बनाना है। ऐसे करके हमें पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। ये हमारा दूसरा लाइन है, ये एक चैन में दो डबल क्रोशिया बना के हम लाइन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इसे बांध लेंगे, तो हमारा जो ये चैन है इसके अंदर
ऐसे सिंगल क्रोशिया बना के फिर इसको ऐसे निकाल लेंगे। अब हम दो चैन बनाएंगे, एक फिर दूसरा चैन। ये दो चैन बना के कंप्लीट हुआ, फिर हम इसे डबल क्रोशिया के लिए सब मोड़। फिर जो हमारा पहला चैन है इसमें एक डबल क्रोशिया, फिर जो हमारा दूसरा चैन है उसमें दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया हमारा कंप्लीट हो गया, अब उसी चैन में हम फिर दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर जो हमारा इसके बाद वाला जो चैन है उसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक, फिर दूसरे में दूसरे चैन में अब हम बनाएंगे इसमें एक डबल क्रोशिया, फिर उसी चैन में दूसरा डबल क्रोशिया। उसी चैन में अब हम तीसरे में इसके बाद वाले में एक ही चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम दूसरे चैन में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे एक बार एक डबल क्रोशिया कंप्लीट, फिर उसी चैन में अब हम दूसरा भी डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे बना के। फिर उसके बाद वाले चैन में एक डबल क्रोशिया, फिर दूसरे वाले में उसी में फिर दूसरा भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जोड़ दिया दो चैन बनाएंगे, फिर जो हमारा पहला चैन है उसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम हर चैन में एक डबल क्रोशिया, दो चैन में एक डबल क्रोशिया, और फिर जो हमारा तीसरा चैन है उसमें हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इसमें दो डबल क्रोशिया, फिर अब दूसरे वाले चैन में एक डबल क्रोशिया, फिर दूसरे वाले चैन में फिर एक डबल क्रोशिया, फिर हमारा जो तीसरा चैन आएगा उसमें हम दो बार डबल क्रोशिया, एक हमारा चैन डबल क्रोशिया कंप्लीट, अब उसी चैन में हम फिर दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर जो हमारा इसके बाद वाला चैन है उसमें हम एक डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद जो हमारा दूसरा चैन है उसमें भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर जो हमारा इसके बाद वाला चैन है तीसरा चैन होगा उसमें हम दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक हमारा डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गया है, अब उसी चैन में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे करके हमारा ये पूरा लाइन हम कंप्लीट कर लेंगे, एक चैन दो चैन में एक एक डबल क्रोशिया, तीसरे वाले चैन में दो डबल क्रोशिया। बस इसको ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे, दो चैन एक और दो चैन फिर डबल क्रोशिया के लिए। ये पहला जो चैन है इसमें एक डबल क्रोशिया, फिर जो ये दूसरा चैन है ये वाला इसमें दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया कंप्लीट हुआ और उसी में हम दूसरा डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। अब दूसरे चैन में एक डबल क्रोशिया, और ये चैन दूसरा जो चैन है उसमें दो डबल क्रोशिया, एक में एक डबल क्रोशिया दूसरे वाले में दो डबल क्रोशिया। ऐसे करके हम पूरा राउंड ये कंप्लीट करेंगे, एक अब इसमें एक डबल क्रोशिया।
अब दूसरे वाले में दो डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, फिर इस वाले में एक डबल क्रोशिया, इस वाले में दो डबल क्रोशिया, एक उसी में दूसरा डबल क्रोशिया। ऐसे करके हम पूरा राउंड सर्कल बना लेंगे, कंप्लीट करके इसमें ऐसे जोड़ लेंगे। अब दो चैन, एक दो, फिर हर चैन में एक डबल क्रोशिया बनाना है। एक डबल क्रोशिया इसमें, इसमें डबल क्रोशिया, इसमें डबल डबल क्रोशिया, इस चैन में ये लाइन हमको पूरा कंप्लीट करना है। अब इसमें करके इसे हम बांध लेंगे और दो चैन। अब इस राउंड में इस चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर जो दूसरा हमारा चैन है उसमें दो डबल क्रोशिया, इसी में फिर दूसरा बनाते हैं, फिर इस दूसरे वाले चैन में एक डबल क्रोशिया, फिर दूसरे चैन में दो डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर दूसरे वाले चैन में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें एक डबल क्रोशिया। अब ये लाइन कंप्लीट कर लेंगे, इसमें इसको ऐसे जोड़ लेंगे, फिर दो चैन, एक और दो, फिर हर चैन में एक डबल क्रोशिया बनाते हैं। एक चैन, फिर दूसरे चैन में एक डबल क्रोशिया, फिर दूसरे चैन में एक डबल क्रोशिया, एक चैन में एक डबल क्रोशिया, लाइन पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अब जॉइंट कर लेंगे इसमें। अब इसको एक आठ मार देते हैं, ये आठ लाइन, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ लाइन हमारा बना के अब कंप्लीट हो चुका है।